योगी आदित्यनाथ के आधी रात को लिए बड़े फैसलों की। जी हां, योगी सरकार आधी रात तक एक्शन में है। बीती रात 1 बजे तक मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और अफसरों के साथ बैठक की। क्या रही बड़ी बातें आपके सामने हैं। योजनाओं से समाजवादी नाम हटाकर मुख्यमंत्री शब्द जोड़ा जाएगा। गांव में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बिजली कटौती नहीं की जाएगी। आधी रात की बैठक में योगी सरकार ने लिए हैं ये बड़े फैसले। एक बार फिर से आपको सिलसिलेवार तरीके से जो बड़े फैसले लिए गए उससे अवगत करा देते हैं। ये देखिए, ये बड़े फैसले आपके सामने। ग्रेटर नोएडा के जेवर में एयरपोर्ट बनेगा, ये बड़ा फैसला लिया गया। उसके बाद सरकारी योजनाओं से जो समाजवादी शब्द है वो हटा दिया जाएगा, इसकी जगह जोड़ा जाएगा मुख्यमंत्री शब्द। गांव में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली कटौती नहीं की जाएगी। जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली रहेगी, ये बड़ा फैसला भी लिया गया। और इसके अलावा तहसील और गांव में 18 घंटे बिजली हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। 25,000 युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा, ये भी फैसला लिया गया है। 25,000 युवाओं को स्वरोजगार और इसके अलावा बिजली से जुड़े हुए ये बड़े फैसले योगी सरकार ने आधी रात को लिए हैं, अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठक की। योगी सरकार की जो बैठक रात 9 बजे से शुरू हुई वो रात 1:30 बजे तक चली और उसी बैठक में दिल्ली से सटे नोएडा के जेवर में एयरपोर्ट बनाने का फैसला हुआ। जेवर एयरपोर्ट की दूरी दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर है। प्रस्तावित जेवर एयरपोर्ट दिल्ली आगरा रूट पर है। मायावती सरकार के समय जेवर में एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन अखिलेश सरकार के समय जेवर की जगह पर आगरा में एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया गया। जेवर में एयरपोर्ट के अलावा योगी सरकार की बैठक में तय हुआ है कि यूपी के हर गांव में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना कटौती के बिजली मिलेगी। योगी सरकार की जो बैठक रात 9 बजे शुरू हुई वो 1:30 बजे तक रात चली और उसी बैठक में योगी सरकार ने तय किया कि यूपी के हर हिस्से से अंधेरा दूर करना है। योगी सरकार के फैसले के मुताबिक यूपी के हर गांव में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना कटौती के बिजली मिलेगी। 14 अप्रैल से जिला हेडक्वार्टर में 24 घंटे बिजली मिलेगी, जबकि तहसीलों में 18 घंटे बिजली सप्लाई होगी। बैठक में अगले 100 दिनों में 5 लाख नए कनेक्शन जारी करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा योगी सरकार ने अफसरों से बिजली चोरी पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा है। ऊर्जा की जो हालत है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के जो हालात हैं उनके जो रेवेन्यू जनरेशन है वो खत्म होता चल गया है। ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, फिल्टरेजेस हैं और इसके अंदर काफी लोग इसका इसमें से पैसा निकाल दिए हैं, भ्रष्टाचार। आधी रात तक चली की बैठक में दूसरा अहम फैसला ये हुआ है कि वैसी सारी योजनाओं से समाजवादी शब्द हटाया जाएगा जो अखिलेश सरकार के समय में शुरू हुई है, जैसे समाजवादी ग्रामीण आवास योजना, समाजवादी पेंशन योजना और समाजवादी एम्बुलेंस योजना। उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसके तहत जहां समाजवादी नाम लगा है वो हटेगा और उसके आगे मुख्यमंत्री योजना कहते हुए चलेगा।